तो दोस्तों बात ऐसी है, हम लोग आ गए मुंबई से उल्लासनगर स्पेशल दाल पकवान खाने के लिए। उल्लासनगर का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे यार। सो फर्स्ट स्टॉप हम लोग का है जयशंकर दाल पकवान, जिनका नाम बहुत सुना है हमने। और आप देख लो पीछे दुकान, आपको दिखाते हैं अच्छे से, हम लोग खा के दिखाएंगे, दुकान के शॉट्स दिखाएंगे, मेकिंग दिखाएंगे। दाल पकवान यहाँ पे इतना फेमस क्यों है देखते हैं अंदर जाके। चलिए, तो बेसिकली दाल पकवान सिंधी लोगों की डिश है और उल्लासनगर इज द सिटी ऑफ सिंधी, इसके लिए यहाँ पे बहुत स्पेशल दाल पकवान मिलते हैं ऑथेंटिक स्टाइल में। अलग अलग वीडियो शूट करते समय बहुत सारे अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं जो कि बजट में बिल्कुल ना हो, पर जब से बिनोवा नाम का ऐप आया है आई एम टोटली वरी फ्री। ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसके साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले करनी है इन्वेस्टमेंट, प्राइस कैसे चेंज होगा ये समझदारी से प्रेडिक्ट करते हुए। मुझे यहाँ लग रहा है प्राइस इज गोइंग डाउन, ट्रेंड देखो ग्राफ कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। मुझे यहाँ कोई रीज़न लग रहा भी नहीं है कि ये यहाँ पर रुकेगा कि नहीं। सो ऑल राइट, हम लोग बहुत क्लोज है पैसे कमाने के। सिर्फ $100 इन्वेस्ट करके हमारा प्रॉफिट आएगा $82 बस 10 सेकेंड्स वेट करके, एंड बूम $317 आ चुके हैं हमारे पास। इतना बैलेंस है कि अभी कोई चिंता नहीं आउट ऑफ कैश जाने की। मैं जब चाहूँ विड्रॉ कर सकता हूँ अपने बैंक कार्ड में और अपने एक्सपेंस पे कर सकता हूँ। सो और ज़्यादा मेनू में आपकी जानकारी के लिए चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। जयशंकर आउटलेट का नाम जयशंकर है, बट हरी अंकल की दाल पकवान बहुत फेमस है यहाँ पे। बताइए कुछ अपने आउटलेट के बारे में। सर पहले 25 ईयर्स ओल्ड बिजनेस है हमारा ये, लेकिन फिर बीच में 2-3 साल पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया था। रियल इस्टेट का चालू किया था हमने, तो लेकिन वहाँ पे भी जो कस्टमर आते थे वो सभी बोलते थे भाई नहीं आपका ये अच्छा काम है, चीज़ आपका अच्छा है। तो वो हिसाब से हमने उनको बाद में ध्यान वो बात को ध्यान में रख के फिर से चालू किया हमने। अच्छा काफ़ी रेस्पॉन्स मिला है अच्छा हमको वापस, और चीज़ हमारे पास बेस्ट रहता है, कोई भी उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। और दूर दूर से लोग आते हैं, वो लोग क्राउड देख के लग रही है। हाँ, कल्याण डोंबिवली यहाँ से सब लोग यहाँ पर ही लगभग आते हैं। अच्छा, और बेस्ट चीज़ मिलेगा आपको। और आपके यहाँ पे एक दाल पकवान के अलावा और क्या क्या मिलते हैं? दाल पकवान के साथ में दाल सैंडविच मिलेगा, दाल कोकी मिलेगा, बाकी सब कॉमन आइटम जो रहते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके शॉप का टाइमिंग बताएंगे? टाइमिंग सर सुबह मॉर्निंग 7:30 से आफ्टरनून 1:30 तक। 1:30 तक? हाँ। और शाम को नहीं खोलते आप? शाम को नहीं, शाम को भी है रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी हमारा सेटअप नहीं हो रहा है। तो थैंक यू मिस्टर कमलेश। थैंक यू मिस्टर कमलेश, हम खा के देखते हैं अभी। दाल पकवान जो हम लोगों ने मेन सुना है कि एक ही दाल हमारे यहाँ पे जो मिलता है और जहाँ पे हमने ट्राई किया मोस्टली वहाँ पे खाली एक दाल होती है दाल पकवान के साथ में, पर यहाँ पे 3 दाल अलग अलग है। तो नाम बताइए दाल का। ठीक है, ये मूंग दाल, ये चना दाल। ओके, थैंक यू। और ये कांदा सलाद, कैरी कांदा सलाद चटनी। और ये क्या अंकल? दाल सैंडविच। ठीक है, दाल सैंडविच, दाल सैंडविच, दाल परोठा, दाल कोफ्ते। सो फाइनली खाने के पहले ही इतना अच्छा लग गया कि भाई क्या हुआ था आपको, इसकी तारीफ मैं पहले ही करूँगा क्योंकि इतनी क्राउड, इतनी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे, लोगों से बातचीत की यहाँ पे, सबने इसकी अच्छी तारीफ की, सबने अच्छे बताया अभी तक, और लोग पार्सल भी इतना लेके जा रहे हैं और खा रहे भी इतने। तो फाइनली हम लोग ट्राई करके
हमारे दाल में पन, और साथ में दाल सैंडविच लिया हमने, ये भी एक सिंगल डिश है दाल सैंडविच, साथ में एक आलू की टिक्की डाल के दिए चटनी एंड ऑल्सो ऑनियन मिर्ची। स्टार्टिंग फर्स्ट विद दाल पकवान, इसका भी टॉपिंग सेम ही है, खाली आलू की टिक्की नहीं है, जो आलू टिक्की नहीं रॉ आलू डाला हुआ है, शायद से हम जो ऑथेंटिक दाल पकवान ढूंढ रहे थे हम लोग मिल गए यहाँ पे। पकवान का साइज़ देख लो एक बार, इट्स ऑल्सो गुड इन साइज एंड प्राइस इसका बता दो तो आपको 25 रुपीज़ फॉर दाल पकवान एंड 25 रुपीज़ फॉर दाल सैंडविच ऑल्सो। कल चलेगा, सो गोइंग फॉर द फर्स्ट बाइट ऑफ इट, सो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल करके आए बाय बाइक, तो फर्स्ट बाइट लेते यही लग रहा है जो ट्रैवल हमारा फर्स्ट स्टॉप से ही वर्थ, हम लोग इतना ट्रैवल जो करके आए बाइक से फर्स्ट स्टॉप पे ही लग रहा है कि भाई नो गोइंग फॉर दाल सैंडविच क्विकली, मिर्ची ऑनियन। तो दाल सैंडविच में एक प्लेट में दो आपको ब्रेड दी है सोक करके अच्छे से दाल के अंदर, ट्राइंग दिस एकदम अच्छे से चम्मच लगाते ही टूट रही है सैंडविच, इफ यू कंपेयर बोथ देन दाल दुकान अपनी बड़ा टेस्ट लगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आलू की टिक्की खाने देते हैं, दिस इज नाइस क्रंची, वर्थ इट, आई थिंक वी आर डन हियर। दाल दुकान टेस्ट किया एंड दाल सैंडविच टेस्ट किया, फिर बातचीत करेंगे अंकल से, फिर शॉर्ट सिखाएंगे आपको, एंजॉय करो। भाई जो है आपका नाम सर? विकी नाथ देव। यहाँ के रेगुलर कस्टमर है यहाँ पे, और थोड़ा बैठ के मुझे अजीब लग रहा है इनकी बॉडी देख के और खुद को देख के, पर फिर भी इंटरव्यू थोड़ा लेते हैं भाई सबका। तो बताइए हीरा लाल के पकवान के बारे में, अब कब से दाल पकवान इतना अच्छा है? हम लोग 4 नंबर में रहते हैं, हाँ हम 4 नंबर हमारे गोल में जिम है, अच्छा डेली का ब्रेकफास्ट इधर रहता है, तो बहुत अच्छा बनाते हैं बढ़िया, और ये हमारे डाइट के लिए भी अच्छा है, डाइट के लिए अच्छा है, हाँ इसमें मूंग रहता है, बिना चटनी बिना कांदे हम लोग खाते हैं मूंग, वो अच्छा है डाइट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जिम पर्सन है, इसके लिए बिना चटनी बिना मसालों के ये दाल खाते हैं, साथ में पकवान खाते हैं इनके, और एक टाइम पर आप कितने पकवान खा सकते हैं आपकी बॉडी को देख के? अच्छा खाने को बैठे तो मैं 3-4 खा लेता हूँ, लेकिन आज क्या एक ही खाऊंगा आज, बट अंकल बोल रहे थे 12 प्लेट खा सकते हैं, ये सच बात है, फ्री 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 में। तो ये मिस्टर राहुल अब बताइए कैसा टेस्ट लगता है आपको इनका? बहुत अच्छा है, और सबसे पहले बात तो साफ सफाई बहुत है इनके दुकान में, क्लीनिनेस बहुत है इनके दुकान पे, अच्छा मेन बात यही है सफाई और क्लीनिनेस बहुत जरूरी है दुकान पे, और यहाँ पे एकदम क्लीन लग रहा है आप देख लो एक बार, इनका बनाने का स्टाइल भी सही है, 3 अलग अलग दाल है यहाँ पे। हियर एट जय शंकर नाश्ता हाउस, सो अगर आपको ये शॉप ढूंढने में तकलीफ हुई तो हरी लाल दाल वाले पूछ के, दाल वाले राइट, हरी दाल मूंग पूछ के आप पहुँच सकते हैं, गोल मैदान के नज़दीक ही है, वैसे हम लोग गूगल लिंक्स आपको ड्रॉप करने के डिस्क्रिप्शन में, सो कीप वॉचिंग सिंग्स ऑफ फूड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय, साइनिंग ऑफ बाय जसप्रीत सिंह अलॉन्ग साइड जसप्रीत सिंह, कीप वॉचिंग सिंग्स ऑफ फूड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय।